नमस्ते प्रणाम, स्वागत है दोस्तों आप सबों का आपके इस चैनल गोलू बाबा ऑफिशियल में। जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं भैया, इस वीडियो को पूरा देख के जाइएगा और वीडियो देखने के बाद भैया आपका जो राय होगा प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। और हाँ, यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं ना तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि भैया इस तरह का वीडियो मैं लगातार लेकर के आता ही रहता हूं और आता ही रहूंगा। ठीक है, इस वीडियो में चर्चा करने वाले भैया धनंजय धड़कन के बारे में। जी हाँ, आप लोगों को पता होगा आरसीएम और धनंजय धड़कन का विवाद, आरसीएम म्यूजिक कंपनी जो है और धनंजय धड़कन का विवाद पिछले साल भी शायद हुआ था, जिसे बहुत सारा विवाद हुआ था। वो विवाद को खत्म करके धनंजय धड़कन ने फिर से आरसीएम ज्वाइन कर लिया और आरसीएम में गाने लगा गाना। और गाना गाते गाते भैया उनका जो है हाल ही में शायद 2 मई या 2 जून को उनका एग्रीमेंट जो है खत्म हो गया आरसीएम म्यूजिक से, यानी कि आरसीएम म्यूजिक और धनंजय धड़कन का जो रिश्ता है वो खत्म हो गया। यानी कि एग्रीमेंट भैया जितना साल का किया था, 3 साल का धनंजय धड़कन ने आरसीएम म्यूजिक से एग्रीमेंट किया था, वो एग्रीमेंट खत्म हो गया। अब जब एग्रीमेंट खत्म हो गया तो जिस तरह बता रहे हैं धनंजय धड़कन कि उनको एनओसी भी दे दिया गया है कि आप कहीं से भी आप गा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एसआरके म्यूजिक से धनंजय धड़कन के कोई गाना आने वाला था, उस गाने का भैया पोस्टर और एनओसी का भैया पिक धनंजय धड़कन ने अपने फेसबुक सोशल मीडिया पे शेयर किया। आप लोग को बता दे भैया इतना तो सारा कुछ हो गया, लेकिन धनंजय धड़कन का कहना है कि राकेश कुमार जो है आरसीएम म्यूजिक के मालिक, वो सभी कंपनी को फोन करके बोल रहे हैं कि धनंजय धड़कन मतलब गलत रिपोर्ट लेकर के घूम रहा, फर्जी एनओसी लेकर घूम रहा है, यदि आप उसका गाना रिलीज करते हैं तो आपके चैनल में स्ट्राइक मार दिया जाएगा। इस टाइप से भैया धनंजय धड़कन बोल रहे हैं। अब भैया बात क्या है नहीं है, ये तो भैया अभी विवाद शुरू हुआ धनंजय धड़कन का, फिर से धनंजय धड़कन और आरसीएम म्यूजिक का भैया विवाद फिर से शुरू हुआ है। अब तो भैया देखिए, अब आरसीएम म्यूजिक और धनंजय धड़कन का विवाद कितना दिन तक चलता है। आप लोगों को पता होगा पिछले बार जो विवाद हुआ शशिलाल यादव धनंजय धड़कन और आरसीएम म्यूजिक के बीच में, तो बात ऐसा हुआ भैया कि धनंजय धड़कन सरस्वती माँ का कसम भी गा लिए कि मर जाएंगे लेकिन आरसीएम म्यूजिक से नहीं गाएंगे। लेकिन कुछ कारण होगा भैया तो फिर से वो आरसीएम म्यूजिक से गाना गाने लगे। और भैया जब एग्रीमेंट 3 साल का कंप्लीट हो गया तो फिर भैया उसके साथ गेम हो गया। तो आप लोगों का भैया राय क्या है, अब गरीब सिंगर के साथ ऐसा ही होगा क्या? जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और प्रयास कीजिए एक गरीब सिंगर को सपोर्ट करने का, उनके हक दिलाने का। और आपका जो भैया राय प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक का बटन दबाइएगा, वीडियो खराब लगा हो तो अनलाइक का भी बटन दबाइएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, आई लव यू, जय श्री राम, गुड नाइट।